मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट फंडल नेशनल स्कूल। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इस्लाम धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म का उदय अरब देशों के अंदर किस प्रकार से हुआ, तो उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पैगंबर पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो उन्होंने कहा था अरब के अंदर उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेश कहा था और उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने या भगवान ने जो इस धरती पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा है। और उन्होंने यह कहा था, उन्होंने कहा कि सभी धर्म यानी कि धर्म को क्या करना चाहिए, एक अवतार यानी एक भगवान को या एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति एक ईश्वर की आराधना करता है या एक खुदा की आराधना करता है या पूजा पाठ करता है या एक खुदा को मानता है, उनको क्या करना चाहिए, अपना एक समाज बनाकर अलग से रहना चाहिए। और उन्होंने ये सीखा कि तो दैनिक प्रार्थना हो गया, खराब हो गया। और उन्होंने शिक्षा दी चोरी नहीं करना, झूठे बोलना, किसी भी असहाय को नहीं कर पाना, यानी किस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म के अंदर अनुयायियों को ये शिक्षा दी है, किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, छोटे से छोटी वस्तु का भी चोरी नहीं करनी चाहिए, साथ के साथ उनका हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए। और उन्होंने ये कहा दैनिक प्रार्थना का मतलब भी होगा कि दैनिक प्रार्थना का मतलब इसलिए मुस्लिम धर्म के अंदर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक दिन के अंदर कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा एकत्र नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने आय का कुछ भाग करना चाहिए, उनको दान के रूप में देना चाहिए। और धीरे धीरे ये शिक्षा चारों तरफ से फैल गई। तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो जो अरब देशों के अंदर दूसरे धर्म के मानने वाले थे उन्होंने क्या किया, उनका विरोध किया। विरोध स्वरूप उनको क्या करना पड़ा, उनका जो स्थान था मक्का, उस मक्का को छोड़कर उनको मदीना की तरफ जाना पड़ा। और उस मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा थी उस यात्रा को हिजरा कहा जाता था। और जब वो प्रथम बार मदीना के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके प्रथम बार मदीना के अंदर प्रवेश करने की घटना को मुस्लिम कैलेंडर कहा जाता है, यानी कि हिजरी सन स्टार्ट माना जाता है, यानी हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु के बाद में अरब के अंदर मुस्लिम धर्म में क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 632 ईस्वी के लगभग पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या मृत्यु हो जाती है और उनके पद को लेकर आपस में किसी में विशेष स्थान नहीं था। लोग अब ये जानने लगे थे कि उनके जो स्थान था वो कौन ग्रहण करेगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनके स्थान को लेकर आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगे और जो मुस्लिम धर्म को अनुयायी थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, उससे दूर होने लगे। बात करते हैं खलीफाओं का शासन विस्तार, ग्रह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। अब क्या था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके पद को लेकर के भाई उनका स्थान या उन्होंने किसको अपना संदेश वहां के रूप में नियुक्त किया, इसको लेकर मतभेद उत्पन्न होने लगे। तो धीरे धीरे ये मतभेद होने अंदर खत्म होने के बाद में नया समुदाय बना। इस समुदाय का नाम था खिलाफत संस्था, यानी कि जो नया संगठन बना वो था खिलाफत संस्था, यानी कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है। और उनके देहांत के बाद में नया परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, उनके बाद में नया परिवर्तन आता है जिसके अंतर्गत खिलाफत संस्था का निर्माण होता है, संस्था होती है खिलाफत। जैसे अगर हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास जैसे जाएंगे 12th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर जब गांधी जी टॉपिक पढ़ते हैं तो गांधी जी टॉपिक के अंदर एक आंदोलन जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। तो उस खिलाफत आंदोलन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी क्यों हो गए। तो वहां पर एक कारण बनता है कि यह कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीय मुसलमानों को अपने तरफ मिलाने के लिए अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हम जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से एक शासनधार टर्की टर्की के अंदर एक पद का नाम था खलीफा, यानी खलीफा पद प्रतिष्ठित पद था। तो मुस्लिम धर्म के अंदर मुस्लिम लोगों को यह कहा गया कि अगर हम जीत जाते हैं तो टर्की के
फल को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेजों ने क्या कैच मुनि का पद को समाप्त कर दिया, क्या होता है भारतीय मुसलमान भी नाराज हो जाते हैं और नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं, नाम है खिलाफत आंदोलन। की बात नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब नव परिवर्तन होता है और खिलाफत संस्था बन जाती है तो एक समुदाय का नेता जो होता है, खिलाफत का जो संस्था बनेगी, इस संस्था का समुदाय का जो नेता होगा वो क्या बन जाएगा, खलीफा। यानी उसने क्या किया, अपना नाम जो भगवान के साथ जोड़ दिया और उसने मुहम्मद साहब की जगह धारण कर ली। फिर बात करते हैं खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य थे, यानी कि जो खिलाफत संस्था बनी गई थी उस संस्था के दो उद्देश्य थे। पहला था एक कबीलों पर नियंत्रण, यानी कि सबसे पहले तो क्या करना कि मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो कबीलों का निर्माण करवाया गया था उन कबीलों के ऊपर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। सेकंड क्या था, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, यानी कि जिन कबीलों के ऊपर अगर खिलाफ खलीफा अपना नियंत्रण स्थापित करता है उस नियंत्रण के ऊपर कबीलों के लिए संसाधन जुटाना, यानी सबसे पहला कार्य का होगा जैसे अपने पद पर बदल रहना होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उस राज्य के अंदर जो भी निवास कर रहे हैं निवासियों के लिए संसाधन, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको संसाधन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो कबीले बनाए गए थे, सबसे पहले खिलाफत जो संस्था थी, संस्था के जो नेता थे, यानी सरदार के जो प्रमुख नेता थे, इस नेता ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने खलीफा पर धारण किया, खलीफा पर धारण करते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या नियंत्रण, यानी नियंत्रण रखा। सेकंड उन्होंने स्टार्ट किया संसाधन जुटाना। अब बात करते हैं आगे, पहले खलीफा जो थे वो थे अबू बकर, उन्होंने अन्य विद्रोह का दौर किया, यानी कि धीरे धीरे जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग विद्रोह ने क्या किया, क्या कहता था, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो जो पहला खलीफा था उसका नाम था अबू बकर, इस अबू बकर ने विद्रोह का दमन किया। फिर खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, और फिर क्या है, इन विद्रोह को दबाने के बाद उन्होंने अपना नया प्रशासनिक ढांचा बना दिया। उस ढांचे का मतलब था कि अलग अलग प्रशासन का अलग अलग अधिकारी बनाया जाता है, जैसे अध्यक्ष, यानी कि हर प्रशासन के अंदर जो भी था अध्यक्ष का अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे जो कबीलों का मुख्य बनाया गया है, यानी कि खलीफाओं के द्वारा जो कबीला का मुख्य बनाया गया उस मुख्य को कहा जाता था अशरफ, यानी कि जो खलीफाओं के द्वारा जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था उस ढांचे के अंदर जो कबीले थे उन कबीले का जो मुख्य होता था उसको अशरफ कहा जाता था। फिर बात करेंगे केंद्रीय राजकोष, तो केंद्रीय राजकोष के अंतर्गत जो अध्यक्ष था उसको बेर अल माल कहा जाता था। फिर है गैर मुस्लिम वर्गों से भी क्या किया जाता था, टैक्स दिया जाता था, उसको खराज या जिजिया कहा जाता था, यानी कि भारतीय मुसलमानों को भी टैक्स देना दिया देना पड़ता था, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे उन मुस्लिमों को भी क्या करना पड़ता था, जो मुस्लिम धर्म के थे उनको भी टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ते थे, और उनके टैक्स के रूप में जो पैसे दिए जाते हैं उसको खराज या जिजिया कहा जाता था। अब बात करते हैं आगे कि अरब के अंदर पहले तो धर्म का सबसे ज्यादा इसे धर्म परिवर्तन, यानी इसे लोगों ने क्या करना परिवर्तन करना शुरू किया था। ईसाई लोगों ने क्या किया था, मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, सारे साथ जो बच्चे ईसाई थे उनको भी यार खलीफा पर धारण होने के बाद में उनको संरक्षण प्रदान किया गया, संरक्षण का मतलब उनको भी अलग से संरक्षित लोग बनाया गया, और जो ईसाई धर्म के संरक्षित लोग थे उन लोगों का ध्यान रखे थे जो अध्यक्ष बनाया गया था उसको डिमसीज कहा जाता था। ये था हमारा अरब के अंदर खलीफाओं का पद, यानी कि अपन बात करेंगे सबसे पहला तो अरब के अंदर विस्तार का मतलब क्या होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि सभी लोग तो पैगंबर साहब की जो वोट थी वाली पद था उस पद को प्राप्त करने की लालसा रखते थे, यानी कि उस पद को प्राप्त करने की लालसा के अंतर्गत उन्होंने देखा कि जगह जगह क्या होने लगे थे खलीफा लोग, खिलाफत संस्था की स्थापना होने लगे, और उस खिलाफत के अंदर अलग अलग जो नेता थे उस धर्म निर्माण संस्था की संस्था के जो नेता थे वो अपने आप को खलीफा घोषित करते थे, और खलीफा बनने के बाद में उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सबसे पहला ये था कि कबीलों पर नियंत्रण करना, यानी सबसे पहले वो क्या करते थे अपने आप को पैगंबर को साधा वंशज बताते हुए क्या करते थे, जो कबीले थे मोहम्मद साहब के उन कबीलों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे, और फिर उन्होंने राज्य के लिए यानी कि जिस राज्य के लिए कबीले के वो संस्था के अध्यक्ष बने या जिस कबीले यानी खिलाफत कमेटी के जो संस्था बनी थी उस खिलाफत संस्था के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए थे खलीफा समुदाय का जो नेता था उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि राज्य के अंदर कबीलों के अंदर जो जनता या निवास कर रहे थे उन निवासियों के लिए सबसे पहले संसाधनों की तैयारी की, और कहा जाता है पहला जो खलीफा था वो था अबू बकर, उन्होंने उनके लिए क्या किया कि अरब के अंदर जो विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे उस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, और खलीफा पद धारण करने के बाद में खलीफाओं ने क्या किया अरब के अंदर अलग अलग प्रशासन को बनी प्रशासनिक कार्य को ढांचा लागू किया, यानी प्रशासन लागू किया जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है अलग अलग जैसे अध्यक्ष बनाए गए, कबीलों के मुखिया को अशरफ कहा जाने लगा,
बेल